अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेगलान स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी लेस के साथ, जो कि बहुत चल रही है, ट्रेंडिंग पर भी रहती है हमेशा से। ब्रांड्स बहुत कॉपी करता है इसको। और दूसरी बात ये कि विंटर के जो मोटे स्टफ होते हैं उसके ऊपर ये स्लीव्स डिजाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा ये आइडिया है कि जो ज्यादा मोटे कपड़े हैं उन पे ज्यादा अच्छा लगता है ये डिजाइन। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करते जाया करें साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया हुआ है ये सिंपल कपड़ा है, खद्दर का कपड़ा है। इसके ऊपर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि इस स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग में बताने लगी हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा प्रॉपरली आप देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज की समझ आ सके। इसको रेगलान स्लीव भी कहते हैं, ड्रॉप शोल्डर कटिंग भी कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आप बच्चों को भी पहना सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं, बड़ी अच्छी लुक आती है इससे शर्ट की। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने जो शर्ट का कपड़ा लिया हुआ है, नॉर्मली जो 2.5 गज कपड़ा होता है उसमें से मैंने शर्ट की लेंथ को अलग कर लिया है, जैसे कि 42 लेंथ है उसको मैंने अलग कर लिया है। 42 मैंने इस कपड़े की लेंथ को निकाला है, बाकी जो कपड़े की विड्थ है वो नॉर्मली है जिस तरह की होती है। इसका जो सारा काम है वो है ऊपर नेक से, जो कटिंग का काम है सारा वो है, इसलिए आपने ज्यादा वहीं पर ही फोकस करना है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर कपड़े को हम बैलेंस कर लेते हैं। सारा कमाल इसका यहीं से है, बाकी सिंपल शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग है, तो इसलिए हमने जो काम करना है वो प्रॉपरली शोल्डर पर ही आपने ध्यान से काम करना है। अच्छा, इसमें मैं जो तीरा है वो ले रही हूँ 7.5 इंच। आप अपनी चॉइस से भी ले, आपका जितना भी साइज है तीरे का आप वही रख सकते हैं, इसमें तीरे को बड़ा छोटा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 7.5 इंच मैंने तीरे का साइज लिया है, यानी कि 15 इंच। सबसे पहले मैं एक ड्राफ्टिंग सी बना लेती हूँ, ड्राइंग सी, ताकि आपको चीज की समझ आ जाए। उसके बाद यहाँ से मैं फिर इसकी कोई भी जो लेयर कटिंग, डीप कटिंग होती है वो नहीं कर रही हूँ, इसमें जरूरत नहीं है। कंधा हम जो रखेंगे वो रख रही हूँ 7.5 इंच पर। इसमें भी आपको बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी, इसमें भी हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बड़ी कटिंग करनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली मैंने वो निशान लगाए हैं जो हमारे कंधे की कटिंग के निशान होते हैं। यहां से आप चेस्ट का भी साइज ले लें, 19 इंच पर चेस्ट ले रही हूं। चेस्ट का साइज हमने ले लिया यहां पर। अब आपने करना ये है कि इधर से आपने गले का साइज लेना है। जैसे अब बेसिक जो नेक लाइन होती है वो तकरीबन होती है 3.5 इंच पर, यानी 7 इंच की चौड़ाई होती है, तो हमने वही बेसिक ही फिलहाल हम ले रहे हैं। बेसिक जो चौड़ाई है गले की वो मैंने ड्रॉ की है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 इंच पर राउंड कटिंग कर रही हूं, ताकि मैं नीचे से ना थोड़ा सा 2-1 इंच का कट बना सकूं। लाइक ये गला तो सारा बुकरम पर ही तैयार होगा, यहाँ पे ड्राइंग इसलिए कर रही हूं कि आपको चीज की समझ आ जाए। गले का मैंने ड्रॉ कर लिया, कंधे का मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जो रेगलान स्लीव की कटिंग होती है उसको करने के लिए हमें ये करना है कि ड्रॉप शोल्डर या रेगलॉन कटिंग होता ये है कि अब ये जो शोल्डर का हिस्सा है ये हमें अपना बाजू में से निकालना पड़ता है। मतलब हमें बाजू अगर यहाँ पे जोड़नी है अपनी, तो हमें बाजू एक्स्ट्रा लंबी रखनी है कि हमारा ये तीरे का जो हिस्सा है वो बाजू में एडजस्ट हो। शर्ट में से हमने इसको अब कट कर लेना है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपने यहां से कम अज कम 2 इंच का निशान नीचे की तरफ लेना है, गले से 2 इंच का निशान आपका नीचे की तरफ आएगा। आपकी मर्जी है, आप गले को डीप भी बना सकते हैं, वी भी बना सकते हैं, गले की कोई भी शेप आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच निशान नीचे की तरफ ले लिया है, ये 2 इंच निशान मैंने नीचे लिया है। कोई भी गले का साइज है तो आपने 2 इंच का ही निशान नीचे की तरफ लेना है। अब इसके बाद आपने जो चेस्ट लाइन है हमारी, वहां तक आपने निशान लगाना है। जो हमारी चेस्ट लाइन है बिल्कुल तिरछा सा निशान आपने वहां तक लगाना है।
ये जो रेगलान या स्लीव्स होती हैं या ड्रॉप शोल्डर कटिंग्स होती हैं, एक यहाँ से भी होती है, कुछ यहाँ से भी होती है। अगर आपने लेसेस एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने लेस को एडजस्ट नहीं करना तो आपने सिंपल यहाँ से एक ए लाइन जो है ना यहाँ पे एक लगा देनी है, बिल्कुल तिरछी सी लाइन लगा देनी है। पैटर्न सारा यही होगा, लेकिन अगर आपने बीच में कोई जॉइंट लेस या कुछ अटैच करना है, जैसे मैं इस शर्ट में करूंगी, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ से नीचे तक थोड़ा सा लाया है ताकि मैं यहाँ पे लेस को अच्छे से एडजस्ट कर सकूं। अब यहाँ तक ये देखिए हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अच्छा, ये जो स्लीव्स है ये थोड़ी सी ढीली ढीली होंगी, यहाँ से जो चेस्ट है आपकी वो ढीली होगी, जबकि देखा जाए तो वैसे हमारी कटिंग राउंड वही बन रही है जो हम यहाँ से अक्सर करते हैं। लेकिन अब ये हमारे पैटर्न एक ड्राइंग मेकिंग जो है वो हो चुकी है। आप इसको तसल्ली से देखें, तसल्ली से इस पे पहले वर्किंग करें, अखबार पे या किसी भी पेपर पे, आपको बहुत आसान लगेगी। वेरी इजी, बहुत सिंपल कटिंग है। बाकी हमने शर्ट की सारी वही कटिंग करनी है। 6.5 इंच पर ये निशान लगाऊंगी जो कमर का आता है, 16 इंच फिटिंग वेस्ट है, उसके बाद 14.5 इंच पे हिप लाइन आ गई जो कि 19 इंच, नीचे से शर्ट की शेप जो है वो मैं गोल करूंगी। दामन आ गया यहाँ पे 10.5 पे निशान लगा रही हूँ जो कि 21 इंच तैयार होगा। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसकी 2 इंच की निशान पे ऊपर लाइन ले लेते हैं। बहुत डीप सर्कल नहीं दूंगी शर्ट का। सिंपल सा दूंगी, लाइट सा, बहुत लाइट सा। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, बहुत ही आसान सी है। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने ड्राइंग पहले की है ताकि आपको चीजों की समझ आ सके। ये देखें, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं क्योंकि साथ ही हमें अभी स्लीव्स को भी कट करना है, तो वो किस तरह कट करना है असल चीज वहां पे भी हमें काम आनी है। तो अभी मैं ये काम करूंगी कि मैं यहां से बिल्कुल इस निशान के साथ कट करूं। आप एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में लेते हैं वो एज इट वही है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने करना ये है कि जो आपकी स्लीव्स का कपड़ा है उसको आपने उठाना है। इसको हम थोड़ा सा यहां से पीस उतार देते हैं। इसमें जो अब आपने स्लीव्स बनानी है, इसमें ये काम है कि आपको स्लीव्स का कपड़ा बड़ा ही चाहिए होगा, इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने सिर्फ शर्ट पीस लाया है तो आपने जो शर्ट की लंबाई है वो हिसाब किताब की रखनी है, तभी आपका, या तो फिर ऐसे स्लीव्स बनाने के लिए आप सिंपल है 3 मीटर पौने 3 मीटर का कपड़ा खरीद लें। अब हमने ये करना है कि कटिंग करते वक्त हमें बाजू को रखना है इस तरह से, शर्ट के हम नीचे रख लेते हैं ताकि हमें टेंशन ही ना हो। एक अगर हम इसी तरह मेजरमेंट करके बाजू की कटिंग करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से कि मैं आपकी आसानी चाहती हूं कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई कि मैं आप लोगों के लिए हर वो आसान काम लेकर आती हूं जो कि आपको आसानी से आप मैनेज कर सके। स्लीव्स को आपने बिल्कुल बराबर रखना है, जो स्लीव्स का कपड़ा है उसको आपने बिल्कुल बराबर बराबर रखना है। शर्ट को ऊपर रखें। अच्छा, नीचे से आप देखिएगा कि मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ रखा है ताकि हमारी सिलाई का हक जो है वो इस स्लीव्स में से निकले। अब ये सारा हमारा पैटर्न आ गया। इसके साथ साथ हमें यहां से ये कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें करना ये, जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था,
बहुत स्टार्ट में बताया था कि आपने करना ये है कि आप जो शोल्डर का बाकी का हिस्सा होगा, तीरे का बाकी का हिस्सा हमने लेना है बाजू में से। अब देखें अगेन से हमने तीरे का साइज लेना है यहां से 15 इंच पर, और उसके बाद हमें आगे अपनी स्लीव, जितनी भी आपका स्लीव्स का साइज है आपने वो मेजर करना है। और ये जो इस टाइम स्लीव्स का साइज आ रहा है मेरे पास वो 20.5 आ रहा है, 20.5 इंच आ रहा है, तो मैं इतना ही रख रही हूँ, बल्कि मुझे आगे कफ भी लगाना पड़ेगा। अगर आपकी भी बाजू छोटी आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आप आगे इसके कफ भी लगा सकते हैं। इधर से बाजू को हम कुर्ता स्टाइल में भी रख सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, यानी जो शेप वाली बाजू होती है आप इसको वो भी रख सकते हैं। मैंने फिलहाल कुर्ता स्लीव्स रखी हैं इस तरह से। बाजू पे भी हमने पैटर्न तैयार कर लिया है, इसके साथ साथ रख के हमने निशान लगाए हैं। किसी भी किस्म की आपको मुश्किल नहीं होगी। कटिंग करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ इसको सिलाई किस तरह से करना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, स्लीव्स की भी कटिंग हो गई और इसकी भी, कमीज की भी कटिंग हो चुकी, शर्ट स्लीव्स दोनों कटिंग हो चुकी है। अभी दे मुझे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।